क्या माफिया अतीक अहमद अभी भी जिंदा है, क्या वह मरा नहीं है? यह सोच सकते हैं कि किस तरह का यह सवाल है। ऐसा मैंने क्यों बोला? अतीक अहमद की हत्या का कांड का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। आखिर अतीक अहमद जिंदा कैसे हो सकता है? अतीक अहमद तो मर जा चुका है, लेकिन अब वह कैसे जिंदा हो गया? क्या उसकी आत्मा दिखी है? तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो लोग क्यों कह रहे हैं कि अतीक अहमद अभी भी जिंदा? एक लड़का है जो प्रयागराज का है, जिसका नाम है लारिब हासमीन। अतीक अहमद को गाली देने और मुसलमानों को बड़ा भूला कहने पर उस कंडक्टर को मौत के घाट उतार डाला। फिलहाल लारिब पकड़ा गया है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि जो लोग शॉर्टकट से शोहरत कमाते हैं, अभी तक अतीक उनके दिलों में जिंदा है। लारिब जो कहा उसे सुनकर पुलिस भी हैरान है। लारिब हासमी को 14 दिन की रिहाई में न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन उसे जेल नहीं भेजा क्योंकि उसके पैर में गोली लगी और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर हर एक एंगल से खोज कर रही है, जिसके घर से कई सारे सामान भी बरामद हुए हैं, जैसे लैपटॉप मिला है, चिप मिली है और कुछ पेनड्राइव मिली है, 3 डायरी मिली है, कुछ किताबें बरामद हुई है और 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। कुछ बैंक खातों की डिटेल्स भी पुलिस को मिली है, जिससे ऐसा लगता है कि वह ताकत और पैसे की शॉर्टकट के चक्कर में लगा था। लारिब अतीक अहमद से काफी लगाव था। लारिब अतीक अहमद की दबंगई से काफी प्रभावित हुआ था। अतीक अहमद की तरह लारिब भी लोगों को डरा धमका कर उनके अंदर खौफ पौधा करना चाहता था, खुद को अतीक जैसा बनाने की पूरी कोशिश करता रहता था। जैसे अतीक अहमद सफेद रंग का साफा पहनता, वैसे ही लारिब भी सफेद रंग का साफा पहनना शुरू कर दिया। लारिब का सपना भी जैसे अतीक अहमद के सपने के बराबर था, इसलिए हम कह रहे हैं कि अतीक अहमद अभी भी जिंदा है। अतीक अहमद के चाहने वाले लारिब ने पुलिस की पूछताछ में क्या कहा, इस वीडियो को देखिए। अच्छा, इसी वजह से।